बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज मेरा नाम आयशा फरूक, पॉलिसी लाइन के सेशन गूंज से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा साथ दे रहे हैं फैसल चौधरी साहब, भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज इनको बुलाने के पीछे बड़े खास मकासद हैं। इनसे बात करते हुए हम सियासत को जानने की कोशिश करेंगे, खासकर वो सियासत जो पीटीआई खेल रही है, और साथ साथ मुबारकबाद पेश करेंगे कि सलमान अक्रम राजा के साथ आखिर उनके इख्तलाफात खत्म हो गए। सर, वार्मली वेलकम। थैंक यू जी। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि आखिर पीटीआई की जो जमात है वो वुकला ने क्यों संभाल ली? देखिए, उसमें जो मेन रीज़न ये था कि जब नो कॉन्फिडेंस के बाद और स्पेशली पंजाब असेंबली के टूटने के बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक जो ब्रावाडो सिचुएशन थी, उसमें 9 मई के बाद जो मेन पीटीआई का कैडर था, लीडरशिप थी, उसको जो एस्टेब्लिशमेंट ने मोस्ट ऑफ दम वो बीटन एंड या फोर्स्ड टू लीव द पार्टी। सो वहाँ पे एक खला आ गया। तो उस खला को पूर करने के लिए उस जो हालात थे उसमें वुकला जो है, क्योंकि वुकला की कम्युनिटी होती है और वो उसमें आते हैं, तो वुकला की उस कम्युनिटी ने जो है वो ज़ाहिर है उसमें टेक होस्टाइल क्योंकि सिचुएशन थी। तो उसमें फिर जो क्योंकि जो मेन कैडर था उसको तो वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने कट ऑफ कर दिया बिकॉज बाई यूजिंग डिफरेंट टैक्टिक्स। तो फिर ये लोग आ गए और इमरान खान साहब ने वुकला को जो है वो भागदौड़ दी, नोइंगली के वुकला की एक स्ट्रेंथ होती है, एक कम्युनिटी स्ट्रांग है। तो ये मेन रीज़न थी और इसलिए आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ में ज़्यादा वकील हैं। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या पीटीआई की जमात जो इस वक्त हैं लीडर, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं एज अ मेंबर ऑफ पीटीआई? क्योंकि पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि आपको ओन नहीं कर रही पीटीआई। देखिए, मेरी उनको ओन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है किसी और को, क्योंकि मुझे इमरान खान साहब जो है वो शफकत करते हैं। सो अगर इमरान खान साहब शफकत करते हैं तो आई रियली डू नॉट नीड एनीबडी एल्स। बैरिस्टर गौहर इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और ही रिस्पेक्ट्स मी अलॉट एंड वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद ईच अदर। मैं पीटीआई का कोई सियासी विंग का तो ऑफिस होल्डर हूँ नहीं, ना ही मतमनी हूँ कि मैं उसके किसी सियासी ऑफिस में जाऊं, और ना ही इमरान खान साहब ने मुझे कोई सियासी ड्यूटी दी है। और उनका जो मुझ पे जो मुझे इंट्रस्ट की गई हैं ड्यूटीज़, वो हैं लीगल साइड के ऊपर उनकी और बेगम साहबा की। सो जो है ये मामला जो है ये हम उनको देख रहे हैं कि वो हमारे लीगल साइड पे। तो अगर वो पॉलिटिकली जो है, क्योंकि हम कमेंटेटर तो ऑब्वियसली बींग अ लॉयर बींग अ आप पॉलिटिक्स के ऊपर तो एक नज़र आपकी होती है, एक शहरी होने के नाते से भी होती है। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में किसी और के एंडोर्समेंट की ज़रूरत अगर पीटीए में है तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज यहाँ पे आपके थिंग फॉर मी। जवाब ने मुझे दो तीन शाखें दे दी हैं। पूछना पड़ेगा सर, आप उनकी मिसेस के लॉयर हैं या उनकी बहनों के? तो जी, मैं पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ मतलब केसेस में। मतलब आपसे पूछना ये सवाल बेसुधना होगा कि अब पीटीआई को लीड बीबी साहिबा यानी कि उनकी मिसेस वो करेंगी, बुशरा बीबी? देखिए, मेरे तो कोई ऐसा अंदिया नहीं मिला, मेरे ना ही रहाई के बाद मेरी बुशरा बीबी से कोई मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने भी ऐसी कोई इशारा नहीं दिया है और कि कौन लीड करेगा कौन नहीं करेगा। उनके उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनका एक एतमाद है उनके ऊपर और वो आई थिंक वही चला रहे हैं। तो ये बात तो मेरे लिए जो कहना है वो मैं समझता हूँ कि इट इज़ आउट ऑफ माई सब्जेक्ट या आउट ऑफ माई पोजिशन टू रियली टेल यू कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई, आई एम नॉट इन पोजिशन अब अभी तक कि मैं इस पर कोई कॉमेंट करूँ। ना मुझे कहा गया ना मुझे इन्फॉर्मेशन है, लिहाजा मैं इसको आपकी इजाजत से कहूँगा नो कॉमेंट्स। वेरी वेल सर, मैं अगले सवाल की तरफ चलती हूँ। सलमान अकरम राजा के साथ आपकी सुलह सच में दिल से हुई या जरूरत थी, या हुक्म का बजा ला लिया आपने कि हमारे इमरान साहब ने कहा है तो हो जाना चाहिए? देखिए, सलमान अकरम राज साहब मेरे सीनियर हैं, वो हमने काफ़ी सीखा है उनको, बहुत ज़्यादा अरसे से हम जानते हैं। वो एक इस्टेब्लिश वकील हैं, हम तो छोटे मोटे वकील हैं, हमारा उनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता। तो वो बड़े हैं और जो भी इख्तलाफ मुझे मेरा तो उनसे कोई इख्तलाफ कभी था ही नहीं। उनका उनकी नाराज़गी क्या थी, उन्होंने मुझे आज तक कन्वे नहीं की, लेकिन क्योंकि वो मामला ओवर हो चुका है लिहाजा आपको सवालात से मामला आगे चला गया है, तो हमने सर, भी
हमने भी खान साहब की इंटरजेक्शन के बाद रिजॉल्व हो गया, तो फिर अब हम क्योंकि जो जिम्मेदार हूँ मैं, बैकग्राउंड मेरा जिम्मेदारी है, तो हम जब मामला हल हो जाता है तो फिर हम आगे चलते हैं, पीछे गड़े मुर्दे फाड़ने के वेरी हक में वेल, नहीं आप रहते। हमेशा ऐसी खूबसूरत बात करते हैं कि एंकर पर्सन लाजवाब हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब को दोबारा वेलकम किया जा रहा है पीटीआई में, ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है, क्या ये सच्चाई है? फवाद साहब को दोबारा वेलकम करना है या वेलकम नहीं करना, ये इमरान खान साहब की कॉल है। इमरान खान साहब ने फैसला करना है। इमरान खान साहब अगर जिस दिन फैसला कर लेंगे कि हाँ उनको वेलकम करना है, तो पीटीआई में कोई रोक नहीं सकता। जब तक वो फैसला नहीं करेंगे तो फवाद साहब पीटीआई के सिंपथाइजर रह सकते हैं, उनके उनके वोटर रह सकते हैं, उनके सपोर्टर रह सकते हैं। अगर कोई मामला अगर पीटीआई से मुतल करना है तो इमरान खान साहब ने करना है, और ये इमरान साहब और फवाद साहब का आपस का मामला है, मेरी इसमें कोई लेना देना इतना बनता भी नहीं है नहीं और है भी नहीं नहीं। ठीक हो गया। बुशरा बीबी से आपकी मुलाकात नहीं हुई, अब इस वक्त खान साहब की बहनें भी बाहर हैं, उनके इख्तलाफात को भी देखा जा रहा है, तो ऐसे में पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? क्योंकि अली अमीन गंडापुर को तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए साइडलाइन किया जा चुका है। इख्तलाफात किस किस्म के और किसके बीच में? बुशरा बीबी और खान साहब की बहनों के दरमियान जो इख्तलाफात अक्सर मंजर आम पर आते हैं, हमारा सोर्स तो मीडिया ही होता है सर, मैं उन इख्तलाफात की बात कर रही हूँ, क्या वो इख्तलाफात सियासत के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं? कोई ऐसा इख्तलाफ मेरे मेरे सामने नहीं है। दोनों जो हैं, मैंने ख्वातीन को देखा है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करती हैं, और इमरान खान साहब की ज़ात है दोनों के लिए वो अहम है। बेगम साहबा ने एक बहुत ही जवाबमर्दी से, हौसला मंदी से, वफाशारी के साथ वो अपना उन्होंने किया है। कैद काटी है, कैद बेगुनाह काटी है उन्होंने, सिर्फ इमरान खान की जौजा होने की वजह से काटी है। अलीमा बीबी जो है वो इस स्ट्रगल में हर जगह पे हरावल दस्ता होती हैं, चाहे वो अभी रिसेंटली पिंडी का या डी चौक का हो, तो पीटीआई की लीडरशिप मौजूद हो या ना हो, अलीमा बीबी लाजमी वहाँ पे मौजूद होती हैं। और अलीमा इन गंडापुर साइडलाइन नहीं हो सकते हैं, वो देखिए इस वक्त वजीर अला के पी हैं, वजीर अला के पी पीटीआई की, वो अगर इमरान खान के बाद कोई रेलिवेंट शख्सियत है तो वो पोलिटिकली भी वही हैं। और अली अमीन साहब ने 3 दफ़ा जो यहाँ पे गैदरिंग हुई वहाँ पे वो आए डी चौक में, उनके आने के ऊपर बहुत सारे उन लोगों ने एतराज़ किया जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो मेरा ख्याल है कि उनका एतराज़ बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर वो मौके पे मौजूद थे, अगर वो लोग एतराज़ करें तो फिर तो उसकी एक साइब वजू है, लेकिन अगर आप खुद नहीं आए, यानी अगर मैं डी चौक में खुद नहीं था तो मैं किस मुंह से उन लोगों पर तनकीद करूँ जो वहाँ पे नहीं थे, जो नहीं आए, और मैं फिर लीडर भी हूँ पार्टी का, तो अगर मैं खुद या तो हाजिर होता, अगर नहीं हाजिर हो सका तो फिर मेरा हक इस्तेहकाक नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को जो कि जैसे तैसे करके पहुंच तो गया और एहतजाज में जो है वो शामिल हुआ, अपनी उसने हाजिरी लगाई, उसके बाद तनकीद भेजा है। और अली अमीन रेलिवेंट है, उनको साइडलाइन कम से कम केपी का वजीर अला होते हुए, और इवन अदरवाइज वो बड़े पुराने लीडर हैं, पुराने वर्कर हैं पीटीआई के, और बड़े मेहनत से तंदी से वो अपना काम करें, तो मेरा ख्याल में ये तासुर गलत है। वेरी वेल सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि 26वीं तरमीम के अंडर कवर जो पीटीआई है उसको बहुत सारी मराहत मिली, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, सहाफी बरादरी में सोचा जा रहा है, जैसे ही 26 तरमीम अमेंडमेंट सामने आई, मुशा बीबी को रिलीफ मिला, बहनों को रिलीफ मिला, अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि खान साहब से पहले शायद खुर्शीद शाह साहब या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, आप इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, डील हुई या नहीं हुई? आप गालिबन आप इशारा कर रही हैं लाहौर में जो मुकैद एजाज चौधरी साहब हैं, या डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा हैं, और या जो अपना हमारे महमूद साहब हैं, इन लोगों बिल्कुल की बात करें, क्योंकि जी अब जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो तो पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर थे और काफ़ी कैद काट चुके हैं, मेरे ख्याल में उनकी उम्र भी नहीं है कैद काटने वाली, खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल की। तो देखिए बात यह कि ये गलत तासर है, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर अब जो 26वीं जो तरमीम के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी उनको रायतें मिली हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले दिन से ये बेल का केस था, जज साहब को डेंगी हो गया, वो कुछ डिले हो गया, और डेंगी जो है वो आपको पता है जो ये कोरोना से भी थोड़ा ज़्यादा वीक करता है बंदे को, तो डेंगी हो गया वो इस बावजूद डिले हो गया, अदरवाइज उनकी बेल पहले हो जाती, और जो बहनों के ऊपर तो केस ही कुछ नहीं था, उनको तो बिल्कुल पोलिटिकली कैद में रखा गया है, और इस कैद में उन
4 तारीख से लेके 25 तारीख तक बहुत ज्यादती की गई है, जिस तरह से उनको रखा गया जेल में, वो मेरे हल्के में थे, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन हमें एक्सेस नहीं ग्रांट की गई और हमें उनकी मेहमानदारी का मौका नहीं मिल सका। तो उनकी बहनों के ऊपर, आपनहती खातीन है, 65 साल की, 61, 64 की, 66 की, उनके ऊपर आप अगर ये कहें कि आप कोई बम बना रही थी और पार्लियामेंट पे आपने हमला करना था, ये मजाक खेज बातें नहीं है क्या? ये जो है फ्रिवलिस बातें नहीं होंगी। वेरी वेल सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये ऑलमोस्ट मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जैन कुरैशी के ऊपर जो इल्जामात हैं उनको आपकी नजर में आप हकीकत के कितना करीब देखते हैं? क्या वो प्रेशराइज हो चुके थे? मैं जैन कुरैशी की फैमिली और उनके वालिद साहब को जानता हूँ और हमारे पुराने मुरासिम भी हैं उनके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम हैं। जैन एक बहुत ही सुलझे हुए और वफादार और सरकश्वार आदमी है, मैं नहीं समझता कि वो अपने वालिद की कुर्बानी को इस तरह से रायगढ़ जाने देंगे। वो एक, हालांकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रुटेलिटीज पूरी फैमिली ने सही है, वालिद साहब आज भी बाहर नहीं आ सके हैं, और ये जो बार मनात किए जा रहे हैं, वो ये जो शो कॉज नोटिस इशू किए जा रहे हैं, जब किसी ने वोट नहीं दिया है, शो कॉज नोटिस आप कैसे इशू कर सकते हैं? तो कानूनी तौर पे भी आई थिंक ये कोई मुनासिब बात नहीं, सियासी तौर पे तो बिल्कुल ही मुनासिब बात। लेकिन सियासत पे क्या मुनासिब और क्या नहीं मुनासिब? 1 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल है, खासकर इस एहतजाज के अंदर अब पहली बार बुशरा बीबी यानी पीटीआई के पास बहुत सारे एहतजाजों के बाद एक लीडर खड़ा होगा, जाहिर बात है खान साहब को रिप्लेस करने के लिए वही है। आप देख रहे हैं कि इससे वो मकासिद रिसीव हो जाएंगे जिसके लिए ये एहतजाज की कॉल है? बीबी वहाँ पे होंगी, ये आपने मुझे आज ही इतला दी है, पूछेंगे, अगर वो होंगी तो फिर चारों को जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत सारी जो एक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे स्पेशली जो चलती हैं अफवाहसाज़ी का, तो शायद उसी का एक शाखसाना है, इसमें कोई हकीकत की बात नहीं है। बीबी जो है एक बापर्दा खातून है, घरेलू खातून है, और वो अपने मोस्टली वक्त में इबादत करती हैं और इवन जेल के अंदर भी जो है, मुझे बस सीरी के दौरान भी थी तो ये बातें करती थी, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होगी। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो फैसला वो जाहिर है खान साहब ने करना है, और उनके हुक्म के बाद अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पीटीआई के तमाम वर्कर्स में बिल्कुल हम लबैक कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात हमारे सामने आई नहीं है। नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लाहौर ना आकर पेशावर गई तो सियासत में तो कदम रखा। और आपकी बात को ही हम सेकंड करेंगे, जो आपने कहा वो ही फाइनल है, हम किसी शाखसाने की तरफ नहीं जाते। खान साहब की आने की क्या उम्मीद है सर बाहे मैं एक, तबार? अगर एक जुमला में कह दूं कि जी जी खातीन के बिस्मिल्लाह, लिए अपने, खातीन के लिए अपने घर बहुत अहम होते हैं और अपने घर बिल्कुल को वो जन्नत समझती, मेरा नहीं ख्याल कि बीबी केपी हाउस में खुश होंगी, और वो लाहौर जाना चाहती थी लेकिन उनकी सिक्योरिटी और कुछ ऐसी वजूहत की बना पे उनको केपी में जाना पड़ा और लाहौर में वो नहीं जाना पड़े। अल्टीमेटली वो लाहौर ही जाएंगी, वो जाना चाह रही थी लाहौर में और बरेगाला इस्लामाबाद में, तो दोनों घरों को जो है वो देखना चाह रही थी, लेकिन केपी में उनको किसी वजूहत की वजह से, कुछ ऐसे खदशात हैं जिनकी वजह से वो लाया गया, ले जाया गया। आप दूसरा, अगर दोबारा अगर मुझे, आप माजत चाहता मैं हूँ, सर मैं ये आज सवाल, नो फिर नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर, मैं सवाल सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, और अगर खान साहब नहीं आ रहे तो आप सियासत में खान साहब की जगह शाह महमूद कुरैशी या डॉक्टर यास्मीन राशिद राशदा उनको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, या खान साहब ही आ रहे हैं? राशिद हो या शाह महमूद कुरैशी हो या कोई और भी हो, या सब मिलके भी हो, तो इमरान खान की कोई जगह नहीं ले सकता। इमरान खान इमरान खान है, और ये तमाम बहुत ही काबिले एहतराम, बहुत ही मोहतरम शख्सियात हैं जिनका आपने नाम लिया ना, वो कभी चाहेंगी, और उनको भी मालूम है इमरान खान की जगह कोई नहीं ले सकता। इमरान खान साहब को लीगली केसेस में अंदर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरिटलेस केस है, कोई उनके खिलाफ केस सॉलिड बेस पे नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, पॉलिटिकली एक मलिशियस एजेंडा के तहत कुछ किया जा रहा है, तो लिहाजा ये फिर हुकूमत को एक लीवरेज होती है कि वो 40 मुकदमे जैसे उनके ऊपर किए गए हैं। जैसे अभी जब वो सऊतों में थे जेल के अंदर, तो उनको कोई 6-8 मुकदमों में जो है मुलवस कर दिया गया है, तो ये चीज़ें जो है वो हुकूमत करती है,
लेकिन मेरे ख्याल में अब इसीलिए निज़ाम में अदालतों का आज़ाद होना और मजबूत होना ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादती ना हो सके, लेकिन ये ज़्यादती मुसलसल हुई है, जल्दी इसका एंड जो है हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आखिरी सवाल की तरफ हूँ और ये सवाल मैं हर किसी से पूछती हूँ, वो ये कि क्या अकेले खान साहब के पास कोई ऐसा प्लान है जो पाकिस्तान की आम आवाम को हर मामले में रिलीफ दिलवा दे? बिकॉज कोई जादू या कोई मैजिक स्टिक तो उनके पास नहीं है कि वो बाहर आएंगे तो बिजली के बिल भी पे हो जाएं, तमाम लोगों के घर खाने शाने भी चले जाएं और बस सिर्फ खान साहब की धूम मचे। देखिए, ये जो मैजिक वॉन्ड है ये तो किसी के पास नहीं होता, वो मैजिक वॉन्ड हर सियासतदान की टीम होती है और खान साहब की अपनी शख्सियत ऐसी है। देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं उनको उसको उसका की टर्न से जो है जो सोल्यूशन है, ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि आप घर ढा के चले जाएं और कोई दूसरा कोई देवमाल्याई कुव्वतों वाला शख्स तो नहीं होगा ना कि जो कि उस घर को दोबारा उस महल में क्रिएट कर दे, जैसे हम सिंड्रेला की कहानियों में पढ़ते थे। तो मुल्क को जिस बर्बादी पे छोड़ा ले जाया गया है अभी इस हुकूमत की तरफ से और ले जाया जा रहा है, उसको वापस एक राइट डायरेक्शन पे लाने के लिए खान साहब की शख्सियत इसलिए आम है कि खान साहब के पे लोगों का एतमाद है। अकेले खान साहब तो नहीं कर सकते ना, मुख्तलिफ लोग हैं, इकाइयां हैं जो जुड़ के इस सारे मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन उनका जो ट्रस्ट है ओवरसीज पाकिस्तानियों का या आम पाकिस्तानियों का, वो है इमरान अहमद खान की ज़ात के ऊपर, और इमरान खान के अलावा किसी और के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है। तो ये जब मुल्क बनते हैं तो उसको बहुत सारे लोग मिलके बनते हैं, एक आदमी लीड करता है। इमरान खान साहब में वो क्वालिटी भी है, वो दलेरी भी है, वो अज़म भी है और वो हौसला भी है कि वो सख्त तरीन हालात में पाकिस्तान में रहे हैं और इसी वजह से वो अवाम में पॉपुलर हैं कि वो बहादुर हैं और लड़े हैं। और अवाम के जो हीरो होते हैं, याद रखिएगा तारीख में हमेशा बहादुरों को याद रखा जाता है, जो कमज़ोर हैं वो भुला दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, आज हमारा साथ दे रहे थे हमारे शो में फैसल चौधरी साहब, और उनके मुताबिक तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है और खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है लाइक सिंड्रेला, लेकिन उनकी टीम है जो पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकती है। स्टे टाइम, आज के लिए बस इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।